हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खिरसा घर बनाएंगे। कोई कोई इसको अंगूरी रसमलाई कहते हैं और कोई कोई इसको छेना खीर भी कहते हैं, मगर ये खाने में बहुत टेस्ट लगता है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाने को मन करेगा। चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है इसको क्लिक कीजिए। ऐसे करने से मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे खिरसा घर। बर्तन लेंगे, इसमें डाल देंगे हाफ लीटर मिल्क। इसमें से हम छेना बनाएंगे। जब दूध में उबाल आना स्टार्ट होगा हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और एक दो मिनट के लिए इसे चामू चलाएंगे। अभी हम इसको नीचे रख के एक दो मिनट के लिए चामू चलाएंगे और इसमें अभी हम विनेगर डालेंगे। याद रखिए, एक दो मिनट के लिए इसे चामू चलाइए और इसके बाद हम यहाँ पे जितना विनेगर लिए हैं उतना पानी लिए हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अभी हम दूध में डालेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है चाहे तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। जितना नींबू का रस लेंगे उतना पानी दोनों को अच्छे से मिक्स करके आपको दूध में डालना होगा। दूध हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसके बाद अभी हम विनेगर जो पानी को मिला के रखे थे इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चम्मच चलाएंगे। अभी देखिए छन्ना हो गया है, अभी हम इसको छान लेंगे। अभी एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, एक छन्नी लेंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा रखेंगे और इस छन्ना को छान लेंगे और अच्छे से पानी में धो लेंगे। इसमें से पानी डाल के छन्ना को अच्छे से धो लीजिए। क्योंकि इसमें हम विनेगर डाले थे इसलिए थोड़ा सा खट्टा लगेगा, इसलिए हम पानी में धो लिए हैं। इसको अच्छे से ऐसे छेना में जो पानी है इसको अच्छे से ऐसे टाइट कर लीजिए जिससे जो सारा पानी है इसमें से निकल जाएगा। अभी एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर कोई भारी चीज रख लेंगे। ऐसे करने से इसके इसमें जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा। अभी हम गैस का फ्लेम को ऑन करके एक लीटर दूध को बॉयल करेंगे और बीच बीच में थोड़ा चम्मच चलाएंगे। इसी दूध में हम राबड़ी बनाएंगे। अभी दूध में उबाल आना स्टार्ट होने के बाद अभी हम इसमें बीच बीच में चामू चलाएंगे और इसको धीरे धीरे पकने के लिए दूध को छोड़ देंगे। अभी बीच बीच में ऐसे चामू चलाएंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम लो कर लेंगे और धीरे धीरे होगा और साइड में जो ऐसे मलाई लगता है इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके चामू चलाएंगे बीच बीच में। जब तक दूध बॉयल हो रहा है चलिए अभी हम छेना को निकाल देते हैं। अभी देखिए छेना में से अच्छे से पानी निकल गया है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ में। हाथ का जो नीचे का हिस्सा है इसको अच्छे ऐसे प्रेस करके आगे बढ़ाइए और ऐसे करके अभी हम सारे छेना को चिकना कर लेंगे। इसको अच्छे से चिकना कर लीजिए, छेना जैसे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे मसल मसल के चिकना कर लीजिए। अगर अच्छे से ऐसे चिकना नहीं, अभी हम देखिए छेना को अच्छे से चिकना कर लिए हैं। अभी इसमें से छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, एकदम छोटा छोटा। देखिए जितना बड़ा आप बनाएंगे ये उससे डबल हो जाएगा, इसलिए इसमें से हम 60 बॉल बनाएंगे। 55 से 60 बॉल बनाएंगे ऐसे छोटा छोटा करके। अभी देखिए बॉल बना लिए हैं, अभी हम इसको चिकना करेंगे। हाथ में अच्छे से ऐसे चिकना कर लीजिए और सारे बॉल को ऐसे हम चिकना करके रख लेंगे।
याद रखिए अच्छे से इसे चिकना कर लीजिए। अभी सारे बल तैयार हो गया है। अभी चलिए दूध को चेक करेंगे। अभी दूध हाफ हो गया है। साइड में जो मलाई लगा है इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। जब आप दूध को पकाएंगे तो गैस का फ्लेम को लो मीडियम रखिए। अभी हम इसमें 1/4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद इसको और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। अभी और ये गाढ़ा होगा थोड़ा। अभी गैस का फ्लेम को लो मीडियम रख के दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक चलिए चाशनी बना लेते हैं। जब दूध पक रहा है अभी हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल देंगे। उसी कप में मेजर करके 3 कप पानी डाल देंगे। पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है। अभी हम इसमें 1-1 करके छोटा छोटा जो रसगुल्ला बना के रखे थे इसको डालेंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, 1-1 करके बॉल हम डालना होगा, क्योंकि अगर एक साथ हम सारे रसगुल्ला डाल देंगे चाशनी में एक खुल जाएगा। इसीलिए 1-1 करके बॉल इसमें डालेंगे और गैस का फ्लेम को हाई रखेंगे। सारे बल डालने के बाद इसको हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हम सारे बल डाल दिए हैं, इसको हाई फ्लेम में बिना कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी 5 मिनट हो गया है। अभी हम इसको कवर कर लेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी 10 मिनट हो गया है। अभी इसको चेक करेंगे। अभी देखिए रसगुल्ला अच्छे से हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी चलिए दूध को चेक करेंगे। अभी देखिए दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और सारे जो रसगुल्ला है डाल देंगे। सारे रसगुल्ला इसमें डालने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम में कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी 5 मिनट हो गया है। अभी इसका ढक्कन निकाल के हम चेक करेंगे। देखिए अभी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इसको रखने के बाद और ये गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। अभी हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। कुछ बादाम डाल देंगे और कुछ काजू डाल देंगे। यहाँ पे हम काजू भी छोटा छोटा काट के रखे इसको डाल देंगे और कुछ बादाम को भी डाल देंगे। अगर आपके पास काजू और बादाम नहीं है चाहे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम को लो कर देंगे। लो करके इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी 1 मिनट हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। देखिए खीरसागर बन के तैयार हो गया। आप एक बार इसको घर में बनाइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।